हेलो फ्रेंड्स, ये जावा स्ट्रिंग पार्ट टू है। मैंने पार्ट वन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। हमने क्या देखा, प्री डिफाइन क्लास है स्ट्रिंग, उसके अंदर बहुत से मेथड्स है इंप्लीमेंट करते हैं ये तीनों इंटरफेस को। टू वेज टू क्रिएट ए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, फर्स्ट वन इज बाय यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल, डायरेक्ट हम कर देते हैं स्ट्रिंग एस वन इज इक्वल टू जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है हमें, ठीक है। स्ट्रिंग लिटरल के अंदर दो पॉइंट्स है, मैंने ध्यान में रखने को बोला था। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्ट्रिंग लिटरल से, तो वो स्ट्रिंग पूल के अंदर स्टोर होता है। स्ट्रिंग पूल क्या है, सेपरेट मेमोरी स्ट्रक्चर इनसाइड द हीप, ठीक है। और सेकंड क्या था, अगर सेम ऑब्जेक्ट बना रहा है तो वो सिर्फ एक इंस्टेंस बनाता है, इट डजंट क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस। अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं बनाता है, इंस्टेंस का मतलब ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं बनाता है, एक ही ऑब्जेक्ट बनाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है। और क्या देखा था हमने, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, हम स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते, हम नया इंस्टेंस बना के फिर उसको रेफरेंस वेरिएबल दे सकते हैं, हमें जो भी देना है, ठीक है। मैंने एग्जांपल बताया था कोडिंग, नया इंस्टेंस बनाया मैंने स्ट्रिंग पूल के अंदर और उसको रेफरेंस दे दिया एस वन, तो भी वेलकम को रेफरेंस कोई नहीं कर रहा था, कोई नहीं मतलब एस वन नहीं कर रहा था, एस वन और एस टू वेलकम को रेफरेंस कर रहे थे, और मैंने बोल दिया कि एस वन अभी कोडिंग को रेफरेंस कर रहा है, यानी एस वन वेलकम को नहीं कर रहा था, ठीक है। तो गार्बेज कलेक्टर से डिलीट हो जाएंगे, आई थिंक इट्स क्लियर। तो ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि एक इंस्टेंस बनाएंगे हम, जितने भी रेफरेंस वेरिएबल बना रहेंगे उसका एक ही इंस्टेंस रहेंगे। सिंपल सा था, हम मेमोरी सेव कर रहे हैं, ठीक है, टू मेक जावा मेमोरी मोर इफिशियंट। सिंपल सा है, एस वन एस टू क्या है स्टैक मेमोरी में, ये सब क्या हीप मेमोरी में, हीप मेमोरी के अंदर स्ट्रिंग पूल में स्टोर होंगे। और एस वन एस टू अगर एक ही पॉइंट को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे एक ही बनेगा वेलकम, ठीक है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। और सेकंड वे है टू क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, दैट इज बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड से हम जब भी बनेंगे तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्टोर होगा, हीप मेमोरी के अंदर स्ट्रिंग पूल के बाहर। और ये जब भी ऐसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये अलग अलग इंस्टेंस होंगे, ठीक है। जैसे हमने वेलकम दो बार बनाया, लेकिन वेलकम दो बार रहेंगे स्ट्रिंग पूल के अंदर, नहीं स्ट्रिंग पूल के बाहर और हीप मेमोरी के अंदर, आई थिंक इट्स क्लियर, ठीक है। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल, ये सब हमने देख लिया था। अब हम देखने वाले हैं थ्री वेज टू कंपेयर स्ट्रिंग्स इन जावा, ओके, थ्री वेज टू कंपेयर स्ट्रिंग्स इन जावा, ठीक है। मैं आपको पहले शॉर्ट में बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या है, इक्वल्स मेथड। इक्वल्स मेथड क्या चेक करता है, ओनली चेक वैल्यू। लेट्स से मैंने स्ट्रिंग वन बनाई है जिसका नेम लिखा है सचिन, स्ट्रिंग टू बनाई है जिसका नेम लिखा है सचिन, तो सिर्फ वो वैल्यू चेक करेंगे सेम है कि नहीं, अगर सेम रहेंगी तो ट्रू, सेम रहेंगी तो हम जो भी है वो करा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। सेम रहेंगी तो ट्रू प्रिंट कर देंगे या फॉल्स प्रिंट कर देंगे। और इक्वल्स इग्नोर केस क्या करेंगे, नाम से पता चल रहा है कि वो केस को इग्नोर कर देंगे, ठीक है, कोई अपर केस में हो सकता है कोई लोअर केस, लेकिन वैल्यू सेम है तो ये इक्वल्स इग्नोर केस को इग्नोर कर देंगे, लेकिन ये इक्वल्स मेथड इग्नोर केस को इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड क्या है, इक्वल्स टू मेथड, सिंपल सा है कि कंपेयर्स रेफरेंसेस नॉट वैल्यूज। तो सिंपल सी बात है कि जब भी रेफरेंसेस देख रहा है वो रेफरेंसेस सेम होने को, ठीक है, यानी ये देखो सिंपल सी बात है, जब भी तुम न्यू कीवर्ड से बनाओगे ना तो रेफरेंस तो मैच होते ही नहीं है। हमने यहाँ पे देखा था एस वन तुम बना रहे हो तो ये वेलकम, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है एस वन एक वेलकम को पॉइंट कर रहा है, ओके, और एस टू एक वेलकम को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला है, इक्वल्स टू कंपेयर्स रेफरेंसेस, एक ही ऑब्जेक्ट रहने को, सिंपल सा मतलब मैं बोल दूँ तो। और ये एक ही ऑब्जेक्ट कब रह सकता है, जब हम अपन स्ट्रिंग लिटरल से ऑब्जेक्ट बनेंगे तो। ये तो सिंपल सी बात है कि अगर इज इक्वल टू हम कंपेयर कर रहे हैं तो जो दो स्ट्रिंग के बीच में कंपेयर कर रहे हैं ना, वो दो स्ट्रिंग हमेशा स्ट्रिंग लिटरल से रहने को, पहली बात। और दूसरी बात क्या रहेंगी, उसकी वैल्यू सेम रहने को, ठीक है ना। ये बोल रहे हैं कि कंपेयर्स रेफरेंसेस नॉट वैल्यूज, ठीक है, लेकिन उसके पहले वैल्यूज तो सेम होने को ही ना, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। इज इक्वल टू हम ये देखो सिंपल एक बात मैं बताते देता हूँ, इज इक्वल टू चेक करना है, यानी सिंपल सी बात है कि वो स्ट्रिंग लिटरल से बनने को ना, स्ट्रिंग लिटरल से बन गया तो वैल्यू सेम रहेंगी तो डायरेक्ट को ट्रू दे देंगे, ठीक है। अगर तुम न्यू कीवर्ड से बना रहे हो लेकिन वैल्यू भी सेम दे रहे हो ना तो भी फॉल्स आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि ये ऐसा होता है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट नहीं है, दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेट्स से अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, लेट्स से एस वन इज इक्वल टू, ठीक है,
लेट से मैं वही एग्जांपल ले लेता हूँ, ओके, एंड इसको ही कॉपी करता हूँ और एस वन की जगह पे एस टू ले लेता हूँ। और मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या होता है, न्यू कीवर्ड में दो ऑब्जेक्ट बनेंगे सचिन नाम के, ठीक है। और ये कहाँ पे बनेंगे, हीप मेमोरी के अंदर और स्ट्रिंग पूल के बाहर, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, वो इक्वल्स टू चेक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगूंगा इफ एस वन, ये हमें इसके अंदर लिखना पड़ेगा, इफ एस वन इक्वल्स टू, तो हम सीधा प्रिंट करा सकते हैं, सिंपल सा है, इफ एस वन इक्वल्स टू एस टू देन वी विल प्रिंट ट्रू, नहीं तो हम फॉल्स प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो कॉपी करता हूँ एंड देन पेस्ट, तो यहाँ पे बताओ ट्रू प्रिंट होगा कि फॉल्स प्रिंट होगा। वेट, आप सोचो, ये मैं आपको इसका आंसर बता चुका हूँ। लेट्स रन दिस, ये देखो फॉल्स आ गया। आई थिंक इट्स क्लियर, आपको अंडरस्टैंड हुए होगा। मैंने आपको अभी बताया कि एस वन एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, एस टू नया ऑब्जेक्ट बनेगा। इक्वल्स टू के लिए क्या चेक कर रहे हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट बनने को ना, ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट बनने को ना। और एक ऑब्जेक्ट कब बनता है, पहली बात तो एक ऑब्जेक्ट कब बनता है जब दो रेफरेंस वेरिएबल होते हैं। और एक ऑब्जेक्ट बनता है वो कब बनता है, स्ट्रिंग लिटरल से। जब भी तुम स्ट्रिंग लिटरल से बनेंगे ना, वहाँ पे पॉसिबिलिटी रहेंगी कि हाँ इक्वल्स टू सेम हो सकता है। और वो कब सेम होंगे, जब वैल्यू सेम रहेंगी, तो सिंपल सी बात है एक ही बनेंगे, ठीक है ना। ये मैंने आपको एग्जांपल बताया कि एस वन क्या कर रहा है, वेलकम को रेफर कर रहा है। एस वन क्या है, रेफरेंस वेरिएबल ऑफ वेलकम ऑब्जेक्ट, और एस टू भी क्या है, रेफरेंस वेरिएबल ऑफ एस टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं ये स्ट्रिंग लिटरल से बना रहा हूँ, यानी ये वेलकम एक ही बार बनेगा। और अपने को ये चाहिए इज इक्वल टू में क्या चेक करता है वो, कि एक ही ऑब्जेक्ट हो ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ये समझ में आ गया ना। एस वन वेलकम को पॉइंट कर रहा है, ये स्ट्रिंग लिटरल से बना है, और स्ट्रिंग लिटरल से एस टू भी बना है, जो भी वेलकम ही है, जिसको ऑब्जेक्ट भी वेलकम ही है, तो यहाँ पे एक ही बनेगा। तो आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा। लेट से मैं आपको यस थ्री बना रहा हूँ, स्ट्रिंग लिटरल से ही बना रहा हूँ, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहेंगी। अभी मैंने एस वन वेलकम रेफरेंस वेरिएबल है जो कि वेलकम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। अभी यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है स्ट्रिंग लिटरल में कि भाई इज इक्वल टू ट्रू हो सकता है, ठीक है ना। एस एक पॉसिबिलिटी है कि एस थ्री अगर वेलकम को ही पॉइंट कर रहा है तो ट्रू आ जाएगा, लेकिन अगर तुम न्यू कीवर्ड से बना रहे हो ना, वहाँ पे पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है ना। लेट से एस थ्री कोई वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है और एस थ्री पॉइंट कर रहा है वर्ल्ड को, तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, ये कॉमन सेंस है, ठीक है ना। एक ही ऑब्जेक्ट होना अपने को, सिंपल सा मैंने एक शॉर्ट में बता दिया आपको, तो आई थिंक इट्स क्लियर। या तुम इसको ऐसे करने से अच्छा है, एक सेकंड कंट्रोल जेड करता हूँ, ये कॉपी करता हूँ मैं, या तुम डायरेक्ट इसको ऐसा भी प्रिंट करा सकते हो, डायरेक्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस वन इज इक्वल टू एस टू। अगर वो ट्रू रहेगा तो ट्रू प्रिंट करेगा ये, अगर एस वन इज इक्वल टू ट्रू ट्रू नहीं रहेगा तो फॉल्स प्रिंट करेंगे। सो लेट्स रन, ये देखो फॉल्स प्रिंट आ गया, सो आई थिंक इट्स क्लियर। सो अभी लेट्स से स्ट्रिंग ए वन इज इक्वल टू ए टू इज इक्वल टू, और अभी हम चेक करेंगे ए वन इज इक्वल टू ए टू। अभी इसका आंसर तो आपको आने को ही होना, तो ये मैं अच्छे से बता चुका हूँ, सेव कर दिया मैंने और रन करता हूँ। अभी ट्रू आएगा, ठीक है, ट्रू आ गया। और लेट से अभी कैपिटल एस लिखता हूँ, और अब मेरे को बताओ ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। शॉर्ट तो मैंने आपको बता दिया, ये इक्वल्स इग्नोर केस का कंसेप्ट है, इक्वल्स इग्नोर केस यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो आई थिंक इट्स क्लियर।
ठीक है, तो आई थिंक हमें ये इक्वल्स इग्नोर केस यूज़ करना पड़ेगा। यस, सो यहाँ पे आंसर फोर्स आएगा, तो हमें ए वन डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, और हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए टू। तो अभी सेव करके चेक करते हैं, सो दैट वी विल गेट रिजल्ट। आई थिंक वी विल गेट ट्रू। यस, ए वन डॉट इक्वल्स इग्नोर केस। ओके ठीक है, इक्वल्स इग्नोर केस नाम से समझ रहे हैं कि इग्नोर करेंगे केस को। ठीक है, तो एक बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि इज इक्वल टू ऑपरेटर हम जब भी यूज़ करते हैं ना, तो ये न्यू कीवर्ड से जब भी बनेंगे जब तो फॉल्स ही आएंगे 100%। ठीक है, जब स्ट्रिंग लिटरल से बनेंगे वहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ट्रू आएगा, जब अगर ऑब्जेक्ट सेम है। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गया होगा न्यू कीवर्ड का और स्ट्रिंग लिटरल का। ठीक है, तो नाउ वी विल सी थर्ड टाइप। ठीक है, ये कंपेयर टू मेथड है। कंपेयर टू स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं हम इसको भी, एकदम सिंपल है। अगर एस वन इज इक्वल टू एस टू रहा तो ये जीरो रिटर्न करेंगे, अगर एस वन ग्रेटर देन एस टू रहा तो पॉजिटिव वैल्यू, लेस देन एस टू तो निगेटिव वैल्यू। ये तुम ट्राई कर सकते हो, एकदम ईजी है, कोई भी ले लो। अगर कोई ए से स्टार्ट हो रहा है, कोई बी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो लेट से एस वन ए से स्टार्ट हो रहा है, एस टू बी से स्टार्ट हो रहा है, तो एस टू ग्रेटर होगा तो हमें निगेटिव वैल्यू देगा। सो आई थिंक इट्स क्लियर। अब हम स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, ये एकदम इजी कंसेप्ट है। अगर एस वन रेफरेंस वेरिएबल जो ए बी सी को पॉइंट कर रहा है, तो अभी मैं एस वन इज इक्वल टू एस वन प्लस और एक स्ट्रिंग भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ये कॉन्केटिनेशन का एकदम इजी कंसेप्ट है। कॉन्केटिनेशन सिंपल सा नाम से समझ रहा है। तो लेट्स से अभी मैं स्ट्रिंग लेट्स से बी वन लेता हूँ, बी वन इज इक्वल टू ए बी सी है। ठीक है, तो अभी मैं बी वन इज इक्वल टू बी वन प्लस लेट से ई आर टी भी ऐड कर सकता हूँ, या कोई स्ट्रिंग है जो भी ऐड कर सकता हूँ, या एस वन ए वन कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो तुमको एक बात यहाँ पे समझने को होना, यहाँ पे हम स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर रहे हैं, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। ठीक है, हम स्ट्रिंग को चेंज ही नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे वही सेम कंसेप्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, बी वन किसको पॉइंट कर रहा था, ए बी सी को। अब बी वन किसको पॉइंट कर रहा है, ए बी सी और ई आर टी। ठीक है ना, समझ रहा ना, पहले बी वन किसको पॉइंट कर रहा था, ए बी सी को पॉइंट कर रहा था। अब बी वन किसको पॉइंट कर रहा है, ए बी सी ई आर टी, यानी ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा, और ये ए बी सी ऑब्जेक्ट है जिसका कोई रेफरेंस वेरिएबल ही नहीं है, तो गार्बेज कलेक्टर इसको डिलीट कर देगा। सो आई थिंक इट्स क्लियर। तो मेरे ख्याल से समझ गया होगा, हम नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हम यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना, हम यहाँ पे स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। और एरे के केस में क्या था, एरे म्यूटेबल है, हम एरे को खुद को चेंज कर रहे थे। ठीक है ना, एरे इज म्यूटेबल, हम एरे को चेंज कर रहे थे, एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट था हम उसको चेंज कर रहे थे। ठीक है ना, यहाँ पे हम नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, आई थिंक इजी कंसेप्ट है। अब मेथड्स के बारे में देख लेते हैं। ये देखो लेंथ, ये मेथड है। ठीक है ना, जो एरे के इसमें हमने लेंथ देखे थे वो क्या था, मेंबर था, वेरिएबल था, इसलिए ब्रैकेट्स नहीं लगे थे। मेथड जो भी होते हैं उसके पीछे हम ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, कैर एट क्या है, कोई भी एक इंडेक्स देंगे, वो हमें स्ट्रिंग के जो भी कैरेक्टर है वो ला के देंगे। सब स्ट्रिंग क्या है, नाम से समझ रहे हैं, सब स्ट्रिंग देंगे। ठीक है, ये दो तीन इंपॉर्टेंट मेथड्स है, आप बाकी मेथड चेक कर सकते हो। सो लेट्स से अभी मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए डॉट लेंथ। ठीक है, एक इसमें मैं आपको तीनों मेथड बता देता हूँ कॉपी। ठीक है, ए डॉट लेंथ एंड देन ए वन डॉट लेंथ, ए वन डॉट कैर एट एट लेट से आई की जगह हम लिखते हैं टू। ठीक है, तो ए वन क्या है, ये सी आ जाएगा, 0 1 2, जीरो बेस इंडेक्सिंग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको ही प्रिंट कर लेते हैं इन दोनों को, तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। सेव कर दिया मैंने प्रोग्राम, लेट्स रन। तो ये देखो 6 आ गया और सी आ गया, देखते क्या हुआ। ठीक है, तो लेंथ कितनी है, 0 1 2 3 4 5 6, लेंथ तो 6 है बरोबर। कैर एट एट टू, 0 S 1 2 C। सो आई थिंक इट्स क्लियर। तो अभी थर्ड मेथड क्या थी हमारी, सब स्ट्रिंग, हमें सब स्ट्रिंग होना। ठीक है, तो लेट्स से ए वन डॉट
हम डायरेक्ट प्रिंट भी करा सकते हैं सब स्ट्रिंग को। लेट्स से a1 डॉट सब स्ट्रिंग, तुम डॉट जैसे लिखोगे ना इसके पूरे मेथड्स तुमको दिख जाएंगे, ठीक है। सो a1 डॉट सब स्ट्रिंग ओके, तो डॉट लिखता हूँ मैं और हाँ सब स्ट्रिंग आ गया। ये देखो इसके पास तीन है, एक तो तुम बिगिन जो भी इंडेक्स है वो लिख लो, अगर तुमने सिर्फ स्टार्टिंग का इंडेक्स लिख लिया यानी स्टार्टिंग के इंडेक्स से एंडिंग तक के, या तुम बिगिनिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स जो भी होना वो ठीक है, तो वैसा ये स्ट्रिंग के लिए ये दोनों ठीक है। तो लेट से मैं ये करता हूँ अभी का, और बिगिन इंडेक्स लेट से 2 एंड एंडिंग इंडेक्स इज 4। ये जो एंडिंग इंडेक्स होता है जो भी, ये क्या होता है एक्सक्लूड, इंक्लूड नहीं होता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, कॉपी एंड देन पेस्ट। अगर मैं सिर्फ 2 लिखता हूँ तो 2 के आगे का पूरा ले लेंगे ठीक है। लेट्स रन, ये देखो आई थिंक इट्स क्लियर, आप आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखो लेन तो समझ में आ गई, सी 6 कैरेक्टर 2 सी सबस्ट्रिंग 2 से 4। ये देखो 2 कहाँ पे आता है सी से, ये 2 इंक्लूड होता है, ये 4 एक्सक्लूड होता है। 2 3 4, 4 का पे आ रहा है आई पे, आई क्या है एक्सक्लूड, और 2 सिर्फ हमने बिगिन का दिया यानी 2 से पूरा एंडिंग तक के जाएंगे ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ जाऊंगा, इजी कंसेप्ट है। और एक बात, जो भी मेथड्स होते हैं वो कैमल केस में होते हैं, यानी फर्स्ट लेटर स्मॉल और जो भी आगे का जो भी रहेगा ना वो कैपिटल में रहेगा ठीक है। जैसे कैर एट, ये क्या है एक नया वर्ड चालू हो रहा है, तो ये कैपिटल में आएगा ठीक है। तो ये आपको बहुत सारी मेथड रहेंगे ना जब आपको मालूम पड़ जाएंगे ठीक है, आप देखोगे तो मालूम पड़ जाएगा। अभी एकदम मेन मेथड है जावा 2 स्ट्रिंग मेथड ठीक है। ये देखो जावा 2 स्ट्रिंग मेथड, ये कन्फ्यूजिंग मेथड है, ये आपको मेथड समझ में आने को ना मैं एक ही लाइन में बताता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएंगे। इफ़ यू वॉन्ट टू रिप्रेजेंट एनी ऑब्जेक्ट एज अ स्ट्रिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट को तुमको स्ट्रिंग की तरह रिप्रेजेंट करना है ना, 2 स्ट्रिंग मेथड लगा दो, काम खत्म। कोई भी ऑब्जेक्ट को तुमको स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट को तुमको एज अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करना है तो 2 स्ट्रिंग मेथड लगा दो। जैसे इंटीजर a1, इंटीजर क्या है रैपर क्लास, a1 क्या है ऑब्जेक्ट, रेफरेंस बोल सकते हो लेकिन वही कंसिडर कर लो क्योंकि रेफरेंस तो ऑब्जेक्ट को ही कर रहा है ना। तो तुम्हें ये ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग की तरह रिप्रेजेंट करना है तो c1 सीधा तुम a1 डॉट 2 स्ट्रिंग लगा दोगे ठीक है। सिंपल सा प्रिंट करो देंगे a1 डॉट 2 स्ट्रिंग, तो तुम्हें ये 45 रहेगा, जो भी प्रिंट हो जाएगा ये स्ट्रिंग के फॉर्म में रहेगा। वही अभी int a इज इक्वल टू 90, ये int क्या है प्रिमिटिव है, ये कोई क्लास नहीं है यानी a कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वेरिएबल है। तो तुम्हें यहाँ पे इंटीजर क्लास की जो रैपर क्लास है ना उसके अंदर एक मेथड है टू स्ट्रिंग, तो मैं वो यूज़ करना पड़ेगा ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया इंटीजर एक रैपर क्लास है, अगर क्लास के बाद कभी भी लगता है डॉट तो ये समझ लो, ये समझ जाओ ये मेथड स्टैटिक है। ये मैंने आपको स्टैटिक के इसमें बहुत अच्छे से बताया, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग ऑफ ए ठीक है। हम ऐसा कर देंगे तो ये ए जो रहेगा वो स्ट्रिंग के फॉर्म में रहेगा ठीक है। तो वैसा ही एक कोई क्लास ले लो, हमने ऑब्जेक्ट बना दिया s1, अभी s1 को हमें स्ट्रिंग के फॉर्म में करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कंपाइलर राइट्स, हम जैसे प्रिंट s1 करते हैं तो कंपाइलर इसको s1 डॉट 2 स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है ठीक है। ठीक है तो ये हो गया आज का लेक्चर का काम, सिंपल सा है। तो देखा क्या है हमने, कोई भी ऑब्जेक्ट को हमें रिप्रेजेंट करना है एज अ स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग मेथड हमें यूज़ करना है, इंटीजर क्या है रैपर क्लास, a1 क्या है ऑब्जेक्ट, रेफरेंस वेरिएबल बट रेफर टू ऑब्जेक्ट कोई कर रहा है, तो थोड़ी देर के लिए इसको ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लो, a1 डॉट 2 स्ट्रिंग मेथड यूज़ करेंगे। अभी ये क्या है प्रिमिटिव है, इंटीजर क्या है प्रिमिटिव है, इंट प्रिमिटिव है, तो हम यहाँ पे रैपर क्लास के अंदर मेथड टू स्ट्रिंग वो यूज़ करेंगे, इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग ऑफ ए। डायरेक्ट हमें ऑब्जेक्ट को करना रहता ना तो वो डायरेक्ट हम कर लेंगे a1 डॉट टू स्ट्रिंग, और ये जो यहाँ पे हमने स्टूडेंट s1 क्लास ऑब्जेक्ट बनाया ठीक है, तो यहाँ पे कंपाइलर बाय डिफॉल्ट लिख देता है s1 डॉट टू स्ट्रिंग। सो आई थिंक इट्स क्लियर, इजी है कोई भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना है एज अ स्ट्रिंग, एक बात ध्यान रख लो और बाकी तो इजी है। हम जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पे कंपाइलर बाय डिफॉल्ट टू स्ट्रिंग कर रहा है, रैपर क्लास के अंदर हमें डायरेक्ट हम यूज़ कर लेते हैं a1 डॉट टू स्ट्रिंग, और कोई प्रिमिटिव होते हैं उसका कोई ना कोई रैपर क्लास होता है उसके अंदर टू स्ट्रिंग स्टैटिक मेथड होती है, तो हम डायरेक्ट वो भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने के लिए ठीक है।